हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे. ऑलरेडी इस पे 5-6 वीडियोस हम लेक्चर्स कर चुके हैं और हम इसमें त्रिगो आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे थे. एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी. काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आइए कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, ये सेवन्थ पार्ट हमने स्टार्ट करना है. तो व्हाट इज सेवन्थ पार्ट? साइन थीटा माइनस टू, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के प्रूफ चल रहे हैं. साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट वी नीड टू प्रूव दैट. आइए इसको बोर्ड पे देखते हैं. ओके, सो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है. चलिए लेट अस स्टार्ट. देखिए, जैसे तो हम बेसिकली यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कीजिए, बट ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस की फॉर्म में. फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है और डिनोमेटर में भी. ऐसा करने पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आएगा और हमारी आइडेंटिटीज में स्क्वायर होते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं, सो साइन थीटा कॉमन लेने पर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस. और इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या बचेगा? 2 cos² θ - 1. स्क्वायर की टर्म्स में बनाना हमारे लिए हमेशा सही रहता है, क्योंकि आईडीज जितनी भी हैं उनमें स्क्वायर्स की टर्म्स में हैं. ओके, सो साइन अपॉन कॉस तो 10 बन जाएगा, और ये वाला पार्ट ज़रूर कैंसिल होना चाहिए. कैंसिलेशन करने के लिए सेम बनाइए. तो हम एक काम करते हैं, हम इस किसी एक को से साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की टर्म में चेंज कर लेते हैं. दिस साइन अपॉन कॉस इज 10 θ. ओके, यहाँ चलते हैं. दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख रहे हैं? 1 - cos² θ. आईडी नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ी हुई है. होल अपॉन में, अब ये भी कॉस थीटा के फॉर्म में हो ही गया है न्यूमरेटर, तो कॉस थीटा अपॉन में 2 cos² θ - 1. सॉरी, कॉस थीटा नहीं है, उसको तो हम ऑलरेडी 10 के फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, ये यहाँ पर नहीं है. ओके, 2 cos² θ - 1. ओके, अगर आप न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा? 10 θ, तो एज इट इज़ है. सो इट विल बिकम 1 - 2 + 2 cos² θ होल अपॉन में सिमिलरली 2 cos² θ - 1. ओके ओके, क्लियर है? ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया है. अभी ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया? -2 + 1 - -1, तो क्या हम इसको -1 लिख सकते हैं? यस, इसको भी हटा देते हैं और -1 लिख देते हैं. अभी ये टर्म देखिए पूरी की पूरी सेम हो गई, कैंसिलेशन, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 θ, विच इज़ इक्वल टू RHS. सिंपल, दैट इज़ प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ओके, तो यहाँ पर हमने साइन कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी था, सिर्फ हमने क्या किया, कॉमन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करा. तो कॉमन लेना ये भी एक तरीका है, साइन कॉस की टर्म में चेंज करना ये भी तरीका है, किसी पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड करना ये भी एक तरीका है. और जैसा मैंने कहा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फिक्स नहीं होता, आपको किसी लॉजिक से सही स्टेप्स वाइज स्टेप्स चलते जाना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा. अपने आप क्या लाना है उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंगली दैट रिजल्ट आपको मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं. चलिए पार्ट 8 पर चलते हैं. 8th पार्ट है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 + 10² a + cot² a. इसी तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. लेट अस सी ऑन द बोर्ड. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन. चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. अभी ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है. चाहे तो आप इसको साइन कॉस की फॉर्म में भी चेंज कर लीजिए, या आप एक काम कीजिए, इसको सीधा डायरेक्टली हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को. ए प्लस बी का होल स्क्वायर एडिट लगा के यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं. लेट अस सी कैसे कर सकते हैं. सो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × sin A × cos A, 2 × A × B. ओके, और साइन ए और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 2 बचने वाला है, तो मैं डायरेक्टली 2 ही लिख देता हूँ. ओके, कैंसिल हो गया है. देन प्लस, लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो. इसी तरह यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एंड 2 + cos A × sec A. दूसरे दूसरे रेसिप्रोकल हैं, वो भी कैंसिल हो जाएंगे और 2 आ जाएगा. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. ओके, नाउ अभी हमें टैन और कॉट चाहिए, तो ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटीज जो हैं टैन और कॉट से रिलेट करती हैं. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 1 ये 5. कॉसिक स्क्वायर थीटा अगर आपको याद हो तो 1 + cot² θ होता है, थीटा यहाँ पर ए है, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + tan² θ. ठीक है,
ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, डायरेक्टली हम आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, 5 + 6 और 1 7, 7 + 10² a प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यस देखिए इस क्वेश्चन में हमने साइन कॉस की फॉर्म में करना सही नहीं समझा, हमें लगा कि ये डायरेक्टली आइडेंटिटीज लग रही हैं स्क्वायर्स की टर्म में है, तो हमने डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके आइडीज लगा दी हैं। ठीक है, तो अप्रोच अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको चेंज करनी पड़ेगी। आइए नाइन्थ पार्ट पे चलते हैं, कॉस ए के माइनस साइन ए विद इन ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 upon 10 a प्लस कॉट ए, लेट अस सी ऑन द बोर्ड। ओके दिस इज अवर क्वेश्चन, लेट अस सी ऑन द हाउ वी कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, अगेन यहाँ स्क्वायर्स तो नहीं लिख रहा, तो हम इनको साइन कॉस को हम चेंज कर लेते हैं, ये कॉस ए को कैन वी राइट एज 1 upon sin a, येस ऑफ कोर्स वी कैन राइट एज 1 upon sin a, माइनस साइन ए ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, ओके एंड द सेकेंड ब्रैकेट में हम सेक ए है, सेक ए को वी कैन राइट एज अ 1 by cos a एंड उसके बाद हमारे पास माइनस कॉस ए तो है ही। चलिए अभी क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द एलसीएम, द एलसीएम इज हेयर इट इज साइन ए, द एलसीएम इज साइन ए, सो इट इज 1 - sin² a, 1 - sin² a और हेयर वी गॉट सिमिलरली एलसीएम इज कॉस ए, यहाँ पर क्या आने वाला है, दिस इज 1 - cos² a, ओके नाउ दिस इज प्योर आइडेंटिटी, 1 - sin² a इज नथिंग, इट इज cos² a, सो इट इज cos² a अपॉन साइन ए, सिंपली यहाँ पर 1 - cos² a अकॉर्डिंग टू आई डी इट विल बिकम sin² a एंड हेयर वी हैव cos a, ओके कैंसिलेशन देखिए, ये cos a यहाँ एक पावर कैंसिल, ये साइन ए एक पावर कैंसिल, तो आपके पास आया cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए, अभी भी ये मैच नहीं कर रहा हमारे रिजल्ट से, क्या करें, थोड़ा सा इसको चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो सिंप्लीफाई तरीका आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। ओके तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ओके लेट अस सी, यहाँ कर लेते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व, राइट हैंड साइड क्या है, 1 upon 10 a, 10 a को अगेन हम साइन कॉस की फॉर्म में लिखते हैं, तो इट विल बिकम साइन ए अपॉन में कॉस ए, लॉजिक बड़ा क्लियर है, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, कॉट ए को वी कैन राइट एज कॉस ए अपॉन में साइन ए, ओके नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम, अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे सो एलसीएम, द एलसीएम हेयर इज कॉस ए, डिनोमीटर को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो एलसीएम हेयर इज कॉस ए इंटू साइन ए, ओके ऑन डिवाइडिंग दिस यू विल गेट sin² a + cos² a, ये सिर्फ डिनोमीटर को कर रहे हैं 1 as it is है, ओके sin² a + cos² a क्या बन जाएगा, दैट इज 1 और ये वाली टर्म जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो इट विल बिकम कॉस ए इंटू साइन ए और अल्टीमेटली रिजल्ट इज कॉस ए इंटू साइन ए, एल एच एस और आर एच एस अब इक्वल हो गई, दो स्टेप्स आर एच एस को हमें सॉल्व करना पड़े, तो अगर इस ऐसे भी करके इक्वल हो जाता है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस द आईडी इज प्रूव्ड, ओके सो ये इस क्वेश्चन में हमें आर एच एस को भी सॉल्व करना पड़ा, तो ये कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है कि आप एल एच एस को ही सॉल्व करके चलेंगे, आप आर एच एस को भी सॉल्व करके रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, दोनों को एक कॉमन वैल्यूज पे ले आइए और वहाँ से इनको इक्वेट कर दीजिए, ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके टेंथ पार्ट पे चलते हैं, 1 + 10² चलिए बोर्ड पे देखते हैं सीधा। ओके दिस इज़ अवर क्वेश्चन, इसमें तीन तीन साइड्स रखिए, एल एच एस आर एच एस नहीं है, आपको सबको एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, तो 1 by 1 करते हैं, या तो ऐसा कर लेते हैं इस पार्ट को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, ये पार्ट भी इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से हम कर सकते हैं। चलिए तो पहले यहाँ पर चलते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं, सो 1 + tan² a सीधा सीधा आइडेंट लग रही है, sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, तो हम इसको डायरेक्टली आईडी लगाकर लिख सकते हैं sec² थीटा, दैट इज sec² a। इसी तरह से 1 + cot² a की भी डायरेक्टली आइडेंट लग रही है, दैट इज cosec² थीटा, ओके थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, sec जो होता है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon cos, सो इट इज़ 1 upon cos² a और कॉसिक जो होता है वो 1 upon sin² a होता है, 1 upon sin² a और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10² a, सो दिस इज 10² a, ये तो एक ही स्टेप में प्रूव हो गया इक्वल टू दिस। अब चलते हैं बीच वाले पार्ट पे, दैट इज 1 - 10 a का होल स्क्वायर,
क्या लग रहा है इसको क्या करना चाहिए, इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। 10 को हम लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में, दैट इज़ 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, बेसिक से ही चलते हैं। और डिनोमिनेटर में है आपके पास 1 माइनस कॉट ए, और उसको लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और ये पूरे का होल स्क्वायर तो हमें गिवन ही है, इक्वल टू में दैट। चलिए एलसीएम लेते हैं, पहले इस पार्ट का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे, ये वाला साइन मैंने यहाँ लगाया है, एलसीएम का साइन हम कहाँ लगाएं, यहाँ लगा लेते हैं। एलसीएम विल बी कॉस ए, सो इट विल बी कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, इस पे चलते हैं। इनका एलसीएम का साइन हम यहाँ लगा लेते हैं, एलसीएम विल बी साइन ए एंड दैट विल बी साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का क्या है, दिस इज होल स्क्वायर, ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के रेसिप, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई लगेगा आपको। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं, दैट इज साइन ए होल अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ओके। और इस पूरे का होल स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, होल स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, ओके। अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स जो हैं कॉस ए माइनस साइन ए, साइन में एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ओके। यहाँ कॉस पॉजिटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप माइनस कॉमन ले कैंसिल करेंगे या डायरेक्टली करेंगे तो एक माइनस का साइन बचा रह जाएगा, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए, और दिस इज माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस टेन ए होल स्क्वायर। अभी अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन तो हट ही जाएगा, दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड दैट इज टेन स्क्वायर ए। सो फर्स्ट पार्ट भी हमने देखा इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट भी इक्वल टू थर्ड पार्ट, इट मीन्स फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आपस में इक्वल है, ओके। इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको कंसिडर करना है, ओके। इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी हम डील कर लेते हैं। ये एक स्पेशल तरह क्वेश्चंस है, आप इसको ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादातर न्यूमरेटर में आपको थ्री टर्म्स मिलेंगी, वन भी साथ में आया होगा, ओके, और ऑलरेडी कॉस साइन के फॉर्म में होगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट अस सी ऑन द बोर्ड, ओके। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा स्पेशल किस्म का क्वेश्चन है, थ्री टर्म्स गिवन है, एक टर्म आपको वन भी देगी कॉस साइन के फॉर्म में है, ऑलरेडी क्वेश्चन कॉस साइन के फॉर्म में, हम इसको और कुछ तो कर नहीं सकते। अब आपको देखिए रिजल्ट क्या लाना है, हमें कॉसेक और कॉट के टर्म में जाना है, तो हम इसको उसी तरह से चेंज करने को सोचते हैं। अगर हम इस न्यूमरेटर के हर टर्म को, बल्कि डिनोमिनेटर के हर टर्म को साइन से डिवाइड कर दें, तो कॉस अपॉन साइन विल बिकम कॉट, और यहाँ पर भी अगर हम साइन से करेंगे तो वन अपॉन साइन कॉस है, कुछ कुछ ऐसे जा रहा है। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए, या तो आप हर टर्म को साइन से डिवाइड कीजिए या हर टर्म को कॉस से डिवाइड कीजिए। अगर आप हर टर्म को कॉस से डिवाइड करें तो ये कॉस अपॉन कॉस वन बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, और वन अपॉन कॉस सेक बन जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए। तो हम इसको इसी लॉजिक से समझते हुए हर टर्म को वी आर डिवाइडिंग, एल एच एस को हम ले रहे हैं, और एल एच एस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस थीटा, ओके। लॉजिक मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, जैसा कि दिख रहा है, ओके। सीधे सीधे डिवाइड करते हैं इस टर्म को, हर टर्म को, ये न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के सब टर्म्स को करेंगे। इस टर्म को करेंगे कॉस डिवाइड बाय कॉस ए वन, माइनस साइन डिवाइड बाय कॉस ए इज टेन, टेन ए हो जाएगा साइन, हमें क्या चाहिए कॉट चाहिए, नहीं, हमें तो साइन से करना था, सॉरी लेट मी करेक्ट दिस वन, विल डिवाइड दिस बाय साइन ए, इस टर्म बाय साइन ए, सो कॉस डिवाइड बाय साइन विल बिकम कॉट, ओके। कॉट ए माइनस साइन डिवाइड बाय साइन इज वन, प्लस वन डिवाइड बाय साइन इज कॉस ए के। देखिए जैसे जैसा हमें आर एच एस में चाहिए वैसा वैसा हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है, उस फॉर्म में आना शुरू हो गया है। चलिए डिनोमिनेटर चलते हैं, कॉस डिवाइड बाय साइन इज अगेन कॉट ए, प्लस वन माइनस वन अपॉन साइन इज कॉस ए के, ओके। ये जो वन हमें दिख रहा है इनको हम अलग कर लेते हैं, सो न्यूमरेटर विल बिकम कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस वन, ओके। नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, वी हैव कॉट ए, इस वन को भी हम अलग ही लिख लेते हैं, माइनस कॉसिक ए
माइनस कॉसिक ए प्लस वन। ओके, नाउ इस वन को हमें थोड़ा स्मार्टली चेंज करना है। एक आईडी पे ध्यान दीजिए, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना। अक्सर हमने ऐसा रिप्लेसमेंट किया है, जब भी ये लिखा होता था तो हम वन से रिप्लेस करते थे। क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं? क्या हम वन को इस टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। हमारे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, तो हम थोड़े से यहाँ चेंजेस करते हैं। ओके, ये दोनों को हम थोड़ा आगे पीछे करके लिख लेते हैं, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वाला वन का भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ए प्लस बी या बी प्लस ए कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, और माइनस वन को बड़ा स्मार्टली हम चेंज करेंगे, एंड वी कैन राइट दिस एज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ओके, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाले स्टेप को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। वन को हमने अकॉर्डिंगली दिस कर लिया, चेंज कर दिया। आइए आगे देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक आई डी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक आई डी लगा दें तो ये आपका ये हो गया कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ओके, और नेक्स्ट ब्रैकेट को देखिए, हम क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से ए प्लस बी कॉसिक ए प्लस कॉट ए ए प्लस बी ए माइनस बी कॉसिक ए माइनस कॉट ए। ओके, डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट अप्रोच से आपको इसको सोचना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आपका सेम ही टर्म चल रही है। ओके, दैट इज कॉट ए, डिनोमिनेटर में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, माइनस कॉसिक ए प्लस वन। अभी आप ध्यान से देखिए, इस माइनस साइन से इस तरफ और इस तरफ, माइनस साइन से इधर एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इनमें कॉमन देखिए क्या दिख रहा है आपको। आपको ऑफकोर्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों साइड में कॉमन दिख रहा है, तो लेट अस टेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए एस कॉमन। ध्यान से देखिएगा, कॉमन लेने के बाद क्या होने वाला है, इस टर्म में से ये पूरी टर्म कॉमन निकल गई, तो क्या बचा, ओनली वी लेफ्ट विथ वन। ठीक है, इस टर्म में ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस टर्म में से कॉमन निकल गया, तो ये वाली टर्म बची, माइनस का साइन भी है तो साइन भी चेंज होंगे, सो हम दोनों स्टेप साथ में कर रहे हैं, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप आराम से देख लीजिए, मैंने कुछ कॉमन लिया है दोनों टर्म में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोबारा बता देता हूँ आपको, इस टर्म में माइनस साइन के इधर और इधर, ये दोनों टर्म कॉसेक ए और कॉट ए यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन है, कॉमन निकल, इस टर्म के पास वन बचा वो हमने एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का साइन है और ये टर्म बची, इसके हमने साइन चेंज कर दिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली टर्म, सॉरी दिस टर्म एंड दिस टर्म एग्जैक्टली आर द सेम टर्म। ओके, सो हमारे पास क्या बच रहा है, सो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास बचा सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके क्लियर होना ही चाहिए। किसी भी हाल में इस पूरी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन फिफ्थ वाला है कि इसका थर्ड पार्ट भी है, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से वो वेरी क्लियर होने चाहिए। ओके, जो भी हमने क्वेश्चन किया लास्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सेफ, ये एग्जाम्पल 15 भी है। यहाँ भी देखिए आप, वही थ्री टर्म्स है, साइन थीटा कॉस थीटा वन और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ये भी क्वेश्चन आप देखिए साइन कॉस की फॉर्म में और थ्री टर्म्स आ रही है और यहाँ पर सेक टेन की फॉर्म में जाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप समझ जाइए, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन से डिवाइड कीजिए कॉस से, अगर आप साइन से डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन साइन वन और कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, यहाँ कॉट चाहिए ही नहीं, तो अगर आप हर टर्म को कॉस से डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस टेन टेन चाहिए और वन अपॉन यहाँ पर भी जब आप कॉस से डिवाइड करेंगे सेक, तो ये क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल, और आप देखेंगे उसी पैटर्न से सॉल्व करके आप इजिली कर पाते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर हमारा डिस्कशन एनसीईआरटी का ख़त्म हुआ, और अभी हम इस पर कुछ और, जैसे भी हमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से आपको और क्वेश्चन इस पर ज़रूर कराएंगे। ओके,
होप आप इसके ऊपर ये जो 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं आप इनको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है यही काफ़ी मेन बच्चों को लगता है डिस्टर्बिंग डिफिकल्ट लगती है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके थैंक यू।